गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब एमकॉम के स्टूडेंट हैं और आज आपके ये पेपर आता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। ह्यूमन बिहेवियर से हम बात करें तो हम सबसे पहले हमारे समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में देखते हैं कि हमारे परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा है। अगर किसी भी एक भी सदस्य का व्यवहार अगर घर में सही नहीं होता है तो पूरा ही परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ह्यूमन बिहेवियर का मतलब यहाँ इस चीज़ से लेकर आ रहे हैं कि समाज के अलावा एक और जगह है जहाँ ह्यूमन बिहेवियर का है ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल एरर या मैनेजर जहाँ भी काम करते हैं वो किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इस व्यवहार के बारे में जानेंगे। 21वीं सदी में हमने कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि मानव का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे काम कराना है तो उसके साथ काम कराने के लिए उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि वो काम करने के लिए अभिप्रेरित हो, मोटिवेट हो। मतलब आपने मोटिवेशन तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है कि भाई किसी भी व्यक्ति को हमसे काम कराना है या किसी भी तरह से उसे उस सांचे में ढालना है जिस तरह से हम उसे बनाना चाहते हैं, तो उसे हम मोटिवेट करते रहें। अगर हम उसे मोटिवेट करते रहेंगे तो वो काम अच्छे से करेगा। अब फर्स्ट ईयर में आपने ये भी देखा होगा कि मैनेजमेंट की एक परिभाषा है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देश। मतलब हम मानव का विकास करेंगे तभी ही समाज आगे बढ़ पाएगा और मानव के विकास के साथ ही हमें सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएगी। तो यहाँ पर औद्योगिक जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये देखा जाना ज़रूरी है। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक मानव का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, इस ह्यूमन बिहेवियर की बुक में आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर।